तो जो भी हुक्म आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्प्लीमेंट करके भी बताया है। जैसे पहली वही आई अल्लाह के रसूल सल्लम के पास, ये सूरह इकरा सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तुमको पैदा किया, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। रब किसको कहते हैं? पालने वाले को, परवरिश करने वाले को, तरक्की दिलाने वाले को, उसको कहते हैं देने वाला जो है। कलकल इंसान अमीन अलग, और तुम्हें हकीर चीज़ से पैदा किया जो तुम्हारी माँ के रहम के अंदर चिमटी हुई थी। इकरा व रब्बु कल अक्रम, कि तुम्हारा रब इससे सबसे बढ़कर कर्म करने वाला है। अल्लजी अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए तुमको इल्म दिया, इल्म सिखाया। तो इल्म सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, हम ये समझते हैं कि इल्म सिर्फ पढ़ना होता है, पढ़ने को कहा जाता है। इल्म उसको कहता है, कहा जाता है कि जब तक वो रिकॉर्ड ना हो इल्म नहीं, या तो लिखा नहीं जाए, उसको लिख लिया जाए तब जाके उसको इल्म कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस भी, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि इल्म को कैद करो लिख कर, कलम के जरिए से लिख कर कैद करना है, तो उसको इल्म कहा जाता है। सिर्फ पढ़ने को इल्म नहीं कहा जाता कि पढ़ लिया। अब पहले यह था कि कलम थे, लकड़ी के कलम आते थे, उसको शाही में डुबा डुबा के उसके लिखते थे, उससे उसको रिकॉर्ड सेव करते थे। उसके बाद पेन आ गए, फाउंटेन पेन, फिर रिफिल वाले पेन आ गए, उससे करते थे। अब आज के दौर के अंदर भी रिकॉर्ड करना है, अब क्या आ गया, अब कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर, मोबाइल आ गया, एप्स आ गए, ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें, तो इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये सब उसके जरिए ये इस्तेमाल करो। अब ये देखिए सब पहले से इस्लाम अपडेट है, किसी चीज़ से रोकता नहीं है, किसी में भी रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करना है। अल्लमल इंसाना मालम यालम, फिर इंसान को इल्म दिया जो जानता ना था, इल्म कलम से कैद करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म कि ऐसा, और अल्लाह के रसूल सल्लम ने जब ये आया तो उन पर नाजिल हुई ये 5 आया, और इस पर फिर उन्होंने जिस तरह हर चीज़ पर अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल किया, अल्लाह के रसूल ने इस पर भी अमल किया। और इस पर अमल कैसे किया कि जब पहली जंग हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने, जब अल्लाह ने कहा हमने तुमको इल्म सिखाया और इल्म पढ़ो अपने रब के नाम से और इल्म को कैद भी करो, पढ़ने लिखने की बात आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लम जब पहली जंग हुई और जब कैदी अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में आ गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनको छोड़ने के बदले कि तुम फिदिया दो, माल दो, उनका माल नहीं है जिसके पास, तो वो हमारे यहाँ के 10-10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे, तो उसके लिए आ जाती। यानी अल्लाह का हुक्म आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फौरन। तो ये जब जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने इस तरह के आज़ाद कर दिया लोगों को सिर्फ इल्म सिखाने का, उन्होंने कोई कुरान हदीस तो सिखाई नहीं होगी, उधर खुद लड़ने आए थे सब मुशरिक, तो उनसे कि ताकि ये पढ़ना लिखना सीख जाए, तो उन्होंने अरबी सिखाई होगी, तो उनको पढ़ना लिखना सिखाया होगा, तो ये सिखाया। और ये उसके बाद में हुआ भी कि हमारे असलाफ ने जब अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लम से ये अमल लिया, ये हुक्म लिया, और उसके बाद में तकरीबन 300 साल अल्लाह के रसूल सल्लम के बाद में दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो मुसलमान ना, सब मुसलमान थे। 132 साइंटिस्ट हमको आज मिलते हैं रिकॉर्ड के अंदर, कि 132 साइंटिस्ट थे जिसमें से 121 मुसलमान, और जो बाकी जो थे वो भी मुसलमानों से पढ़े हुए थे, जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमानों के इदारों में पढ़े हुए थे, तो ऐसे उन्होंने लिया। लेकिन उसके बाद फिर जब इस इल्म को छोड़ दिया, जिसको अल्लाह ने सबसे पहले ये वही की थी, सबसे पहले ये आया था कुरान पढ़ो इल्म हासिल करो, ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा सबसे पहले कुरान का मौजू क्या है, अकीदा तौहीद, शिर्क ना करें हम, इस पर निजात। लेकिन वो आया तो नहीं भेजी, अल्लाह ने सबसे पहले जो भेजा वो भेजा कि इल्म सीखो, इल्म तुम्हारे पास में आ जाएगा तो फिर तुम खुद ही समझ जाओगे, तुम खुद शिर्क नहीं करोगे, तो उसके रब को तुम जान लोगे, वो रब कौन है, वो कब मालूम पड़ेगा, तब आपके पास इल्म होगा, इल्म नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रब कौन है क्या है, तो सबसे पहले तो इल्म हासिल करो। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लम करके बताया, और असलाफ ने भी किया, इसलिए वो इतने आगे पहुंच गए, और वो साइंटिस्ट भी वही थे। और हमारी हालत तो ये है कि सब छोड़ दिया, तो आज ये है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारी निकलती है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पस्ती में पड़ी हुई कौम है तो मुसलमान, सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं तो मुसलमानों के अंदर है, सबसे ज़्यादा कॉलेज तक नहीं पहुँचते वो मुसलमान हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा कम है, वो जहालत में सबसे ज़्यादा आगे हैं वो है मुसलमान। तो ये सब अब सिर्फ ये रह गया इस्लाम उनके लिए क्या हो गया कि झंडे, नारे और जुलूस, इसके अलावा कोई इस्लाम के पास बचा नहीं था सब।
ये चीज़ें रह गई। और जो कुछ जिक्र के नाम पे बचा कि जिक्र करना था, तस्बीहात पढ़नी थी, तो वो भी ख़त्म करके और वो जगह नातों ने ले ली। और नात के अंदर भी अच्छी कोई नात नात भी उसके अंदर वो भी के दो तीन मौजू बस, मदीने की गलियाँ, अल्लाह के रसूल सल्लम आला उला, बस दो तीन मौजू, इतनी सारी अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़िंदगी की सीरत पढ़ी हुई, शायर वो भी भूल गए, वो भी नहीं लिख रहे, तो नात ही पढ़ रहे, लेकिन कम से कम वो दूसरी सी बात का भी जिक्र करते हैं। अब ये है कि ये हमारी हालत हो चुकी है कि हमने क्या किया है कि मदरसों को और स्कूल को दोनों को अलग कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लम खुद दीन की दावत, दीन उनके पास था, अल्लाह के रसूल सल्लम के पास, वो सहाबा को सिखा रहे, वो कैदी आए तो उनसे कहा कि तुम इनको दुनिया का पढ़ना सिखाओ, तो उसी मस्जिद नबी के अंदर वो भी सिखा रहे और उसी मस्जिद नबी के अंदर दुनियावी इल्म भी सिखा जा रहा है। अब हमने क्या किया, मदरसे को अलग कर दिया और स्कूल को अलग कर दिया। अब ये हो गया उसके अंदर कि अब जो मदरसे से निकला वो मस्जिद के अंदर जाके बैठ गया, वो इमाम बन गया, आलिम बन गया, अब वो बाहर निकलने को तैयार नहीं दुनिया के अंदर, तो दुनिया के मसाइल हल नहीं हो रहे, लोग दुनिया से लड़ रहे, वो काम क्या करे क्या नहीं करे, आलिम को पता ही नहीं वो कि इसके इसका मसाइल का हल कैसे करे, उसको पता ही इल्म नहीं उसके बारे में, तो बाहर नहीं निकल रहा। अब जो स्कूल चला गया तो वो मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा, बोले क्या फ़ायदा क्या जाने से, मिल तो कुछ नहीं रहा। तो ये हमारी ऐसी हालत हो गई कि दोनों कॉम्बिनेशन हमने बनाए ही नहीं, तो आज सब दूर से हम दूर हैं। लेकिन असलाफ हमारे पास जो असलाफ थे तो सबके उनके पास दोनों चीज़ थी, दुनिया भी इल्म भी और दीनी इल्म भी था। अब उसके बाद में फिर हमारी हालत ये है, और उसके बाद अब फिर जो बेचारे काम करते हैं ना दाई, वो दुनिया के सामने इस्लाम ले जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो इस्लाम ऐसा है, अल्लाह के रसूल सल्लम ये थे, तो वो कुरान में कैसी बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखी हुई है, उसके सामने ये अमन का दीन है, ये जो है इस्लाम का पैगाम ऐसा है, ये सब इंसानियत को ऊपर उठाने के लिए, सब इंसानियत की बात करता है, ये सब बताते हैं उसको, तो वो क्या करता है कि वो फिर बोलता है कि ठीक है किताब में तो लिखा है, लेकिन ये है कि वो देखता किधर है, फिर वो देखता मुसलमानों की तरफ, बोले अमन की बात कर रहे हैं, बंदूक तो सभी इन्होंने उठा रखी, तो फिर ये रह गया अमन वाला दीन। अखलाक की बात कर रहे हैं, मोहल्ले में जाओ तो कान में उंगली डाल के जाना पड़ता है, नई नई गालियां तो नहीं ईजाद होती इनकी यहाँ पर मोहल्ले के अंदर, तो फिर वो अब वो दुनिया के सामने ले जा रहा है बेचारा दाई मेहनत करके, तो वो मुसलमानों को देख रहा, बोले हाँ देखिए हमारे मोहल्ले में रहते तुम्हारे किरदार अखलाक देख रखे हमने, रात को लड़ने लग जाते हैं उठ के 2 बजे भी, तो भरोसा नहीं इनका, हेडपम्प पे पानी भरने आते हैं, हेडपम्प पे एहसान करते हैं, हर 2-4 दिन में तोड़ देते पूरा, ये मुस्लिम मोहल्ले की हालत, तो ये सब हालत हो रही है। तो फिर हाँ आदमी किसी को बताए लाख बताए तो फिर वो मानेगा थोड़ी कि क्या। एक एक वाक्या भी है, 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक पाकिस्तान के इजमामुल हक, एक ब्राइन लारा, अनवर सुहेल अनवर, और ये एक बार इन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में थे वो, तो उन्होंने ब्राइन बोला इसको दीन की दावत देते, ब्राइन लारा, तो इजमामुल हक ने किया कि लाओ उसको बुला के लेकर आओ, यहाँ के लेकर आओ, क्लब में बैठे थे, उन्होंने बोले इसको दीन समझाते हैं, फिर ही बैठे, तो ब्राइन लारा को लेकर आए, उन्होंने उसको दीन पेश किया कि ऐसा है ये अमन है ये पूरा, उन्होंने पूरी अच्छाई थी दीन की बताई, तो उसने क्या उन्होंने क्या शायद ध्यान से सुन रहा, तो उन्होंने सोचा कबूल कर ले शायद, इसी ध्यान से सुन रहा पूछ भी रहा, जब वो उठा वहाँ से ब्राइन लारा उठ के फिर गया, वो बोले बात तो तुम्हारी अच्छी है, सब लिखावे भी अच्छा है सब बढ़िया, लेकिन तुम मुसलमानों में नज़र नहीं आता है, ये कहकर चला गया। तो असल क्या है कि हमारे पास में किरदार ही नहीं बचा, तो हम कितना ही पेश करें तो देखेगा तो उनको अमल में नज़र नहीं आ, तो इसकी वजह से फिर लोग इसको कबूल नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में पहली वही आई और अल्लाह के रसूल सल्लम उसको नाफिस किया लोगों को इल्म के लिए, और इल्म की कितनी हदीसें सब जानते हैं, वापस रखने की तफसीलात की ज़रूरत नहीं, कुरान में भी इसके लिए उभारा गया।